वड़ा पाव तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन आपने कभी चिकन वड़ा पाव खाया नहीं मेरी तरह। अगर आपने भी नहीं खाया तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक तो चिकन वड़ा पाव की रेसिपी बता रहा हूँ, साथ में वो हरी वाली तोते रंग की जो चटनी है ना उसकी भी रेसिपी, वो नॉर्मल वड़ा पाव के साथ भी खा सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, मजा आ जाएगा। गाइज यू वॉचिंग माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस, एंड आपने वड़ा पाव तो बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अब जितेंद्र शेट्टी से, एंड जितेंद्र शेट्टी ने मुझे इन्वाइट किया था। मैंने कहा कि यार मैं तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स कवर करता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास चिकन वड़ा पाव है। तो मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस पे मैंने अपने चौकड़ी मार के यहाँ आ गया कि आई वांट टू सी हियर। मतलब कहाँ से आएगा ये आइडिया चिकन वड़ा पाव? देख के मैंने यूट्यूब में भी देखा था मैंने, हाँ, तो सोचा चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो कैसा है रिस्पॉन्स इसका? हाँ, अच्छा है रिस्पॉन्स। जितेंद्र इज रनिंग हिज होम बिजनेस, तो इनसे अब इनके होम बिजनेस के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, चिकन वड़ा पाव कैसा बनता है ये जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड जितेंद्र, क्या प्राइस में मिलता है चिकन वड़ा पाव? मैं 120 रुपीस में 2 पीस देता हूँ। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट है? हाँ, ये कट करके। कितना किलो है ये? 200 ग्राम है। 200 ग्राम, और 200 ग्राम चिकन में कितना बन जाएगा वड़ा? ये 4-5 आ जाएगा, 5 वड़ा पाव बन जाएगा। ओके, अभी क्या क्या जाएंगे मसाले? ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है। कितना? 2 चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर। ये गरम मसाला। ये धनिया पाउडर। ऑनियन, एंड यहाँ पे अनियन भी चलेगा, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया। वी डूइंग चिकन वड़ा पाव यार, नमक, अभी नमक जाएगा, और ग्रीन चिली पेस्ट। चिली पेस्ट लगा दिया। हाँ, अभी इसको ग्राइंड करना, कीमा बनाना है इसका, कीमा करना। Here we go. हो गया? अच्छा, बहुत जल्दी नहीं हो गया? ओके, तो पूरा मस्त कीमा बन गया। इतने ना, आपके साथ में कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते नमस्ते आंटी। नमस्ते तो घर का खाना है एकदम। अभी चिकन वड़ा पाव के लिए क्या कर रहे हो? मैं उसका बेसन का ये पेस्ट बनाती हूं। बेसन का पेस्ट बना। ओके, बताते रहिए। हाँ, ये बेसन इसमें डालें। अभी कितने बना रहे टिक्की? ये चार। चार, 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 चार टिक्की के लिए पेस्ट बना। हाँ, पेस्ट बना। ये तकरीबन कितना होगा? 150-100 ग्राम। हाँ, 100। इसमें चिली पेस्ट। ओके, हल्दी थोड़ा, नमक, ये नमक हल्का सा आपको डालना, पानी डाल के। फेस पतला होगा कि मोटा? नहीं, जाड़ा जाड़ा रहना। हाँ, जाड़ा। ओके, क्या क्या स्पेशलिटी और जितेन यहाँ पे आपकी मम्मी के हाथ का क्या क्या खा सकते हैं? नीर डोसा है, चिकन सुक्का है, पूरी रोटी है, पूरा मैंगलोरियन स्टाइल में हम लोग बना के देते हैं। अच्छा, हमारा फ्री डिलीवरी है। ओके, पीस बन गया, हल्का सा बेकिंग सोडा। हाँ, या तो इनो भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा नहीं है। ओके, ये हमारा तैयार हो गया। क्या बात है, यहाँ बैटर बन गया हमारा वड़ा का। और अब टिक्की की साइज देखते हैं, इतना ही था। रोल एंड देन जस्ट प्रेस इट एंड देयर यू गो। फर्स्ट चिकन वड़ा पाव खाने वाला हूँ मैं। कितने देर फ्राई करना होगा इसको? ये 2-3 मिनट। तो भाई चिकन फ्राई हो जाएगा जल्दी? चिकन कच्चा तो नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि चिकन वड़ा पाव में कीमे का इस्तेमाल किया गया है, चिकन के कीमे का, तभी ये जल्दी बन जा रहा है। 2-4 मिनट में आप डीप फ्राई करें और ये यमी वड़ा पाव रेडी। क्या बात है, चलिए चटनी की रेसिपी स्टार्ट कर दें।
सो जितेन रेडी हो गया ये? हाँ हाँ, अभी इसमें पाव में चटनी डाल रहे हैं। अरे पर चटनी की रेसिपी तो दिखा दो, कौन दिखाने वाला है? मम्मी मेरी। ओके, सो ओरिजिनल चटनी की रेसिपी आ रही है वड़ा की। हाँ, कैसे बनेगी ये बताने वाले मैं? हाँ, देखो इसमें पुदीना डाल देंगे। अच्छा, पुदीना हल्का सा डालना है? हल्का पुदीना जी। कोथमीर। ओके, कोथमीर, क्योंकि वड़ा क्या चटनी के बिना अधूरा है। हाँ, बराबर। और ये मिर्ची, हरी मिर्ची आ गई, क्या बात है। अदरक, अदरक और दालिया, ये दालिया। ओके, दलिया, चना, ये भुजा हुआ चना है ना? हाँ, ये दालिया। फिर नींबू का रस। नींबू का रस जाएगा। हो गया ये रेडी? अभी नमक, नमक, नमक जाएगा। हाँ। अच्छा, ये भी बता दूं कि चटनी तीखी भी है, नमकीन भी है और थोड़ा मीठी भी है। एक ही चटनी आपको यूज़ करना होगा, अलग से मीठी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बस एक ही चटनी। ये अब हमने ढक्कन लगाना है। ये ढक्कन लगाया और ये चटनी ग्राइंड होने के बाद ऐसे। सो गाइज, व्हाट टाइम इज इट? इट्स आइया, ये जितेन यार आपसे भी पूछेंगे, इट्स माई फेवरेट टाइम जब मैं पहली बार एक्चुअली ये चिकन वड़ा पाव खाने वाला और आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा। अच्छा, वड़ा पाव में देखिए, पाव में चटनी भी लगी हुई है और ये भी है, पर मैं अलग से पहले वड़ा खा के देखूंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। वेरी नाइस है, इट्स टेस्टिंग लाइक अ कबाब, आपको मैं बता दूँ। इनफैक्ट समवॉट डिफरेंट बट येट सिमिलर लाइक दोज रमज़ान स्टार्टर्स यू गेट, एंड ऊपर जो बेसन का परत है वो अच्छा है। तो ये तो मैंने ऐसे खा लिया, एक तो मैंने ये वड़ा खाया, दूसरा इनकी मॉम के हाथ की चटनी में खाने वाला। स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, तीनों आ गया। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, क्या ये हमारे मुंबई के रेगुलर वड़ा पाव को टक्कर दे सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, आप खाना चाहेंगे? मैं खा लेता हूँ। वाह, सारे वड़ा पाव फेल है, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। मुझे जैसे ही पता चला आप चिकन वड़ा पाव बना रहे हो, मैं पागल हो गया। मैंने यार ये क्या हो सकता है, और इसमें आपकी मॉम ने जो चटनी बनाई है तो सुपर बनाई है। इफ़ यू लव वड़ा पाव एंड इफ़ यू लाइक चिकन, चिकन वड़ा पाव इज़ वन थिंग यू नीड टू ट्राई यार, ये बहुत 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 बढ़िया है। खा लीजिए या बना लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, मैंने इनके स्क्रीन पे नंबर भी दिया है, और इट इज़ अ मस्ट ट्राई। कितना बोल रहे हो, क्या प्राइस है इसका? ये 120 rupees में टू पीस है। 120 rupees में टू पीस है, मतलब मैं आपको बता दूँ चिकन बर्गर्स तो सारे फेल है इसके सामने, सारे चिकन बर्गर फेल है। आई विल टेक वन मोर बाइट।